दमोह के पथरिया में टंडन पेट्रोल पंप पर 25 अक्टूबर को हुई लूट में पंप का कर्मचारी शामिल था। उसने अपने तीन दोस्तों के साथ मिलकर साजिश रची थी। पुलिस ने सोमवार को इस मामले का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने पंप के कर्मचारी धीरज पटेल को गिरफ्तार किया है। उसकी निशानदेही पर सूरज पटेल, उमेश पटेल और पथरिया के रहने वाले टीकाराम पटेल को भी पकड़ा है। आरोपियों के पास से लूटे गए 61,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी धीरज पटेल ने बताया कि 25 अक्टूबर की शाम 7 बजे दोस्त सूरज पटेल, उमेश पटेल और पथरिया के रहने वाले टीकाराम पटेल के साथ मिलकर साजिश रची। उसने दोस्तों को बता दिया था कि रात 12 बजे तक उसकी ड्यूटी है, इस दौरान कलेक्ट किए गए कैश को आकर ले जाना। आरोपी धीरज पटेल ने दो साथी कर्मचारी मोहन पटेल और खिलान पटेल के खाने में नींद की गोलियां मिला दी, जिससे उनकी नींद लग गई। इसके बाद आरोपी के दोस्त जीप क्रमांक MP20BA7267 लेकर पहुंचे, जिन्हें उसने 1.25 लाख रुपए दे दिए। इसके बाद मनगढ़ंत कहानी बना दी। इसमें बताया कि आरोपियों ने पेट्रोल भरवाने के नाम पर शटर खुलवाया, कट्टे की नोक पैसे लूट ले गए। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय दमोह श्री श्रुत कीर्ति सोमवंशी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संदीप मिश्रा और SDOP महोदय पथरिया के मान निर्देशन में पुलिस के द्वारा लूट की वारदात के आरोपी को 20 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया गया है। दिनांक 26/10/2024 को फरियादी धीरज पटेल ने रिपोर्ट किया था कि दिनांक 25 और 26 की दरमियानी रात 12:30 बजे करीब वो पेट्रोल पंप के अंदर सो रहा था, तभी दो अज्ञात बदमाश आए और शटर को भड़बड़ाया और उसके जगा कर उससे पेट्रोल पंप की राशि लूट कर ले गए और उसने एक गाड़ी का जिक्र किया था। जो फरियादी की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 543/24 धारा 309(4) BNS कायम किया गया था। जब अन्य साक्षीगणों के कथन देखे गए तो वहाँ एक खिलान पटेल और चौकीदार ठाकुर काम करता था। जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने अपने कथनों में बताया कि हम लोग करीब रात में जगते रहते हैं, लेकिन उस रात खाना खाने के बाद हम लोगों को चक्कर से आने लगे और हम सो गए थे और हमारी उस दिन नींद नहीं खुली, बल्कि ऐसा है कि अगर कोई हमारे यहाँ आता है तो हम लोगों की नींद खुल जाती, लेकिन उस दिन ऐसा नहीं हुआ। और उन्होंने संदेह व्यक्त किया था कि वो धीरज पटेल के ही लगता है कि इसने ही ये कांड करवाया है। जो साक्षीगणों के आधार पर संदेही से जब पूछताछ की गई तो पुलिस अधीक्षक महोदय दमोह द्वारा विशेष टीम और एक टेक्निकल टीम भेजी थी, जो हमारी टीम ने कड़ी मेहनत करके जब उससे पूछताछ की तो उसने पूरी घटनाक्रम के बारे में बताया। तो धीरज पटेल ने बताया कि दिनांक 25/10/2024 को करीब 7 बजे उसने अपने साथी सूरज पटेल निवासी दमोह, उमेश पटेल निवासी दमोह और कशवा पथरिया के टीकाराम पटेल से बात की और उन्होंने योजना बनाई कि आज रात में मेरी ड्यूटी है यहाँ पेट्रोल पंप पर और मैं 12 बजे रात तक यहाँ रहूँगा और 12 बजे तक आप लोग आ जाना और ये जो जितना भी पैसा आएगा ये तो मैं निकाल के मैं दे दूँगा। अब समस्या ये थी कि वो दो लोग और साथ में रहते थे तो उनके लिए क्या किया जाए, तो उन्होंने योजना बनाई कि उन्हें कोई नींद की गोली या कोई ऐसी टैबलेट दी जाए जिससे वो सो जाए। तो इन लोगों के द्वारा उनको दो दो टैबलेट उनके खाने में मिला के दी गई थी धीरज पटेल द्वारा, जिससे वो फरियाद साक्षी खिलावन और वो जो चौकीदार था ठाकुर मोहन ठाकुर वो गहरी नींद सो गए थे। और जैसे ही वो लोग दो लोग आए और उन्होंने पेट्रोल पंप से धीरज पटेल ने पूरी रकम टीकाराम पटेल और उमेश पटेल को दे दी थी और एक मनगढ़ंत कहानी रची थी कि पेट्रोल पंप पर किसी आदमी ने कट्टा अड़ाकर जबरदस्ती 1,25,000 रुपये की लूट की गई है और आरोपीगणों से जो दवाई उसको दी गई थी उसमें से बची हुई 6 टैबलेट आरोपीगणों से करीब 61,240 रुपया नकद और जो घटना में प्रयुक्त गामा गाड़ी का उपयोग किया गया था जब्त किया गया है। आरोपी धीरज पटेल और सूरज पटेल और उमेश पटेल और टीकाराम पटेल को प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है, जिसे आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। नशे की दवाइयाँ जहाँ से लेंगे जी, कहाँ से लेंगे जी, इस संबंध में पूछताछ की जा रही है, उनके कथन लिख किए गए हैं और जहाँ से भी ली गई हो उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की कैसी दवाई दी गई? अब ये पूछना आप ये तस्दीक का विषय है कि वो कहाँ के छात्र लोग हैं, किसी का नाम कहीं का कुछ बताते हैं, अपन उस संबंध में चर्चा कर रहे हैं, लोगों से पूछताछ कर रहे हैं,
और जो भी तथ्य सामने आएंगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।